मेयर साहब को दिया गया था, जिसमें पुराना शहर की स्थिति जैसे जलभराव, सड़कों व गलियों की स्थिति, जगह जगह गंदगी के अंबार, जगह जगह पानी की सप्लाई की लाइन टूटी होना आदि के आदेश के बावजूद किसी भी तरह का कोई कार्य नगर निगम के अधिकारी वगैरह कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया। महोदय, आज क्या मामला है, ज्ञापन दिया है? जी, आज मामला ये है कि 9/11/2019 को एक ज्ञापन मेयर साहब को दिया गया था, जिसमें पुराने शहर की स्थिति को लेकर अवगत कराया गया था। जगह जगह जलभराव, जगह जगह गड्ढे और सीवर लाइन टूटी होना, पानी की सप्लाई की लाइनें टूटी फूटी, वहाँ पर त्राही त्राही मची हुई थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़े स्तर पर ज्ञापन दिया था और तुरंत हमसे ये कहा गया था कि इस पे जो है तत्काल कार्रवाई होगी और जो भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। आज मजबूरन 1.5 महीने बाद भी वहाँ पे एक तिनके के बराबर भी कोई काम नहीं हुआ है। हमने आज फिर दोबारा उस ज्ञापन को रिपीट किया है और मांग की है कि जो आपने हमसे वादा किया था उस वादे को निभाइए, ताकि देश के प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो साकार हो सके और उस अभियान में तेज़ी गति प्रदान हो। और इसके साथ साथ पुराने शहर में आवारा कुत्ते और बंदरों का प्रकोप बेंत यहाँ बढ़ गया है, जिसकी वजह से अभी 29 तारीख को एक 3 मंजिल छत से हसीन मियाँ के ऊपर बंदरों के झुंड ने जो है आक्रमण किया और वो नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। हम ये मांग करते हैं कि आवारा कुत्ता और बंदरों का जो है तुरंत उसको जो है पकड़ने की व्यवस्था नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किया जाए। 3 दिन पहले सुहागन नगर में भी कुछ हमला, हाँ 3 दिन पहले अभी जो है, अभी मेरे ख्याल से कल भी जो है एक आजम नगर में एक बंदरों के जो है झुंड ने हमला किया और उनकी जो है गिर के वो भी जो है घायल और मौत हुई।